और शानदार स्कोर को चलो बुला है और भी गजब शॉट दिया, बहुत ज्यादा स्कोर, बहुत जबरदस्त शॉट है पिया जी, 150 किलोमीटर पर। और रुकते पर में कोई दर्शक घुस गया है, कोई जाएंगे उसको निकाल देंगे। एक तरफ मुख्य मंच के दान छोर पर है रणदूत की टीम और मुख्य मंच के दान छोर पर है आयुष बर्दस ऊंचाई की टीम, एक बेहतरीन दोनों टीम के बीच एक कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही दल में काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी का समावेश ले भी आज जी बिल्कुल एमएस नादुफ टीम तरफ से झाड़ा स्टार्ट रख कर समावेश है जो अच्छी तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। एमएस नादुफ बहुत बड़ा टीम है और खिलाड़ी से प्रचार करना चाहूंगा एमएस नादुफ टीम खिलाड़ियों से तो प्लेइंग नाइन में है मंगल पारिया चश्मा त्रिपल सिक्स पर सामू बस के जश्न 14 पर टवाल हेमरम जश्न 11 पर लाखो सेवन जश्न 5 पे सागेन कुंकल जश्न 22 पर तासा मंडरा जश्न 7 पर लाकन गुया टीम के टेप में जश्न 9 पर और गौरव दिल के पकड़ों में अतिरिक्त खिलाड़ी मौजूद हैं। रूटा पार्क टीम से भी अच्छे से बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। शिफानी आप भी तैयार रहेंगे ग्राउंड के लिए जी बिल्कुल स्वाति चाहे कुचाई और अन्य बात तो एक फॉरवर्ड डिपेंडेंट खिलाड़ी विकल्प तलाशता हुआ अच्छी पास नंबर 8 खिलाड़ी के लिए जस्ट बिलेवन के पास देता हुआ जस्ट बिलेवन अपने साथी के पास देता हूं कि चिन्हे उसे प्रयास ना दे टीम खिलाड़ी और उसी के साथ मौका लिया प्रयास करता है चिन्हे बिलेवन देखना होगा क्या करते हैं फिलहाल के पास देता हुआ उस आगे फिलहाल अच्छी भी साथ है पास के प्रयास करता लेकिन रोक लगाते हुए पटी बंद लगाते हुए टीम में कुचाई जस्ट रेस्ट फिलहाल ड्रिविंग करते हुए और उसके साथ में अच्छी पास अपने साथी के लिए तो पहुंचाया लेफ्ट फील्डर चाहे टू के लिए अच्छी पास वेट के लिए लेकिन एमएस यादव मजबूत सेंसिल लिफ्ट गाइड नजर आता हुआ और बार बार जो है एमएस यादव टीम खिलाड़ी जो है डिफेंसिव लाइन को तोड़ने का प्रयास कर पकला लखन को देखने स्टार खिलाड़ी एक लाभ दूसरे चक्कर की बात है और उसके साथ आज बच को चाय के लिए मौका सकता है लेकिन डिफेंसिव लाइन का मौजूद नजर रहा है टीम में एमएस यादव टीम में की तरफ से लेकिन देखना होगा खट की टक्कर टीम के लिए जवाब बचा अपने टीम के लिए लगन गुया इस पे हुए दो पसंद डाले थे लेकिन सक्सेस नहीं लेकिन तुम्हारा एक अर्थित होता है एमएस यादव टीम के लिए इस समय एमएस यादव वर्सेस आयुष बजट की चाय बीच में प्रथम चक्र का ये मौका बड़ा चटाक रूप में आप देख पा रहे हैं ग्राउंड ए में असिता मौका गजब शॉट यार मानना पड़ेगा दिल खुश जर्सी नंबर दिखा देंगे बाबू जर्सी नंबर लेवल टमा हमारा
सुंदर शानदार है दोस्तों। तो कुछ आज अब भी कम नहीं है भाई, आपके पास काफी समय है। जी बिल्कुल, किस्मत सबको मौका देता है लेकिन मेहनत सबको चौंका देता है, और यहाँ पर चौंका दिया है टीम है एमएस कादोब हो इस वर्ष कुछ आई टीम को, और यहाँ पर सोचने बात होगी विकास होने की जरूरत नहीं, एक के बाद दो खेलने की क्षमता टीम है, और उसके साथ का रिप्लेसमेंट साथ ही साथ का साथ ही तक पहुंचाया, लेकिन तब तक बॉल टच मैच से बाहर जाता हुआ अतर अच्छा पर रहेगा कुचाई टीम के लिए। जैसे बट्टू अच्छी पास साथ इसके लिए जैसे बट्टू के लिए छोटे का खिलाड़ी के पास देता हुआ, और उसके साथ अच्छी प्रयास अच्छी लगता हुआ एम एस साधु की तरफ से एक रन के बाद बनाकर थरतामा चक्रपाल हाल में ही टीम में एमएस राधो तमाम नंबर जस्ट लेवल में दौड़ा एक शानदार स्कोर को चुन लिया है, और भी लास्ट का जब शॉट दिया बहुत ज्यादा स्कोर बहुत जबरदस्त शॉट दे दिया जी 150 किलोमीटर पर। जो दुरंतो चलता है दादा, नोटबुक लगा नादर मुख ले फ्री बोलते बिल्कुल वो ठीक है नहीं छोड़ कच्ची लो दादा हाँ प्लीज वो दादा जो गोंदा के हैं इधर दिखा देंगे जैसे नंबर हाथ ना देंगे बिल्कुल इधर दिखा देंगे बिल्कुल सही तासा बाड़ा चलिए किसरा जी कभी स्वागत सबना मना दिया कभी सोलह तक सबना बना दिया इस मैच ने सभी दर्शकों को दीवाना बना दिया जो कि पहला हम नहीं तो कुछ करना एम एस राधो खाटे की टक्कर है दोनों टीम में आप क्या होगा क्या नहीं ये देखने बात है किसरा जी एम एस राधो बोलने के बाद अच्छी कॉम्बिनेशन अच्छी तरह साथ में सुना दू फिर कहीं ना कहीं आज बारिश हो रहा हो लेकिन एमएस बोला इससे राउंड आज बहुत ही बारिश होने वाली है जिस तरह से शुरुआती चरण कहीं ना कहीं एक जो स्कोर देखने को मिला है लेकिन अब लगता है इस सही मुकाबले के बाद जितने मैच होंगे इस मैदान में गोलों की बारिश होगी। हुआ उसका रिजल्ट थोड़ा बताएंगे अगर आपके पास आया है कहाँ से मिलेगा शशांक भी गिर चुका है धन्यवाद किसका यार तो कुछ पूछना पड़ेगा इस खेल के बाद बिल्कुल तैयारी हालत में आएंगे ग्राउंड में एफ बिलाल को और उसका प्रतिद्वंदी है सोरे सिपाही आप दोनों इधर टीम कप्तान साथ ही साथ खिलाड़ी को सूचित करना चाहूंगा जैसे ही खेल समाप्त होगी अब जता शीघ्र ग्राउंड में प्रवेश करने का कष्ट करेंगे धन्यवाद। और आज का फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच खेलने के लिए आएंगे यंग स्टार बनाम जयराम एफसी आप भी बिल्कुल तैयारी हालत में रहेंगे और आपको आज का फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच ग्राउंड में खेलना है बिल्कुल खिलाड़ी द्वारा देखिए उसके साथ होता हुआ
एमएस यादव को टीम कब्जे में भूत रखते हो चिप पास एमएस यादव लखन उधर अच्छा चंबल सेवन डिग्री करते हुए और यहां पर मैच रेफरी की विकेट और यहां पर कहीं ना कहीं बिल्कुल सेंटर होता हुआ अच्छे खिलाड़ी हैं वो जानते हैं इस लेवल पर चर्च में सिर्फ तेर तरह खिलाड़ी हैं और यहां पर रोकने का प्रयास किए लेकिन यहां पर गलत तरीके से और अवसर मिलेगा फोर किक का एमएस नादु टीम के लिए छाछ रहस्य में छबरी के एक लेके पिला एमएस नादु खर्च ने और यहां पर था थ्रिक शॉट लेकिन मिसाइल कोई टक्कर नहीं आयुष और इस कुचाई टीम के लिए चल कुचाई के विषय में अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं प्रयास करेंगे सुनिश्चित तौर पर अवश्य हो पाए टीम है आयुष वाले कुचाई देवी हम राम गोलकीपर में गुगुरु गौर जसमर क्री अभिमन मातो जसमर खाई सुनील बोधरा जसमर टू रामेश समार जसमर दस राजू बंकिरा जसमर सिक्स खरान बंकिरा जसमर वेन महेंद्रा जसमर एट लादू से जसमर बारह अतिरिक्त खिलाड़ी मौजूद हैं मोटो से खिलाड़ी मौजूद हैं आज इस खेल को कहीं ना कहीं दो को स्कोर की बात कर काफी मौजूद स्थिति में मारे साधु अच्छा प्रताप हुआ अच्छी कोने सर अच्छी तालमेल सागिन के पास किया लेकिन सागिन गोल को अपने कब्जे में आस्था बनाने के लिए सफल नहीं लेकिन चिन्ह सफलता टीम में आज भारत से कुछ आए अच्छी पास फिर बार मौका सकता है लेकिन और इसके साथ जो होता ट्राल लेकिन सार्थक नहीं बोल के साथ रहता इसको बड़ी कुछ चांसेस कुछ आई टीम तरफ से देखने को मिल सकता था लेकिन इसके साथ फेस मैच के साथ ठीक है स्ट्राइकर को देना प्रयास कहीं ना कहीं जानते हैं वैसे नादुक टीम खिलाड़ी जिस तरह खिलाड़ी जाने जाते हैं सभी टीम में राम सामने कई बार वैसे हो चुकी है कभी एमएस नादुक तो कभी आयुष बड़ा कुछ आई मौका सकता है और यहाँ पर जस्टिस के साथ में निकलेगा का सात तस्करी लेकिन इस साइड नेक्स्ट मुकाबला खलिया पूर्ण सतर्क आगे रहेंगे प्रताप चक्र सतर्क मुकाबला खेलने के लिए एएफसी बड़ा लुभन बार से सोरे में सिपाही इस सत्र में इसके पश्चात और यहाँ पर ये लोग लुकिंग होता है उधर टीम तरफ से वार्निंग दे चुका है नेक्स्ट बार ये लोग कार्ड नहीं लाल कार्ड होंगे यानी कि आप मैदान से बाहर होना पड़ेगा आपको सागिन अच्छी कवरेज सर जैसे बारह के साथ फिर बार सागिन इस बार अपना साथी खिलाड़ी के एमएस कादू टीम में कब्जे में बोल को साथ बनाया हुआ है और उनका अपनी टीम आज मदद से कुछ आई अभी प्रयास किए हुए हैं गोल को बराबरी करने के लिए और निश्चित तौर पर एक टीम हारी की दृष्टि से जीत दर्ज करेगी प्रत्येक मुकाबले में और यहां पर जीत की दो कदम आगे एमएस नादुक दूसरी टीम से सबसे लिया गया है अतिरिक्त खिलाड़ी को मौका दिया गया है दोनों टीम तरफ से अतिरिक्त खिलाड़ी क्या करते हैं फिलहाल मोटो सबसे अच्छी पेंट खिलाड़ी जसन कौर पे कुछ टीम तरफ से
और अच्छी पासिंग का प्रयास करता है लेकिन ब्लॉक आता हुआ। हेलो एमएस राधु टीम तरफ से और फिर बार चीन एम्सिपल आइस वर्ड कुछ आई अच्छी पास बनाए के लिए जैसे बनाए ड्रिलिंग करते हैं चकने पास करता लेकिन चकने में एम्सिपल एमएस राधु कर के फिलहाल बोल तो बनाते हुए छोटे के खिलाड़ी मार गया खिलाड़ी मनीष पास डिफेंडर के लिए तो ये खेल लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। तो आप आएंगे एफसी बड़ा लुपुंग वर्सेस सोरम सिपाही एफसी बड़ा लुपुंग वर्सेस सोरम सिपाही आप अपने टीम को तैयार होकर तैयार करके हमारे जो मेडिकल जोन है वहां पर आप अपने टीम को लाके अपना उपस्थिति दर्ज कर देंगे प्रीमियर लिस्ट के साथ और उसके बाद आज क्या फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे यंग स्टार वर्सेस जयराम एफसी। आप भी बिल्कुल तैयारी हालत में रहेंगे आपको आज फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच खेलना है। जी बिल्कुल चलिए हार से पहले हार का रुपया आनी चाहिए अब तक आप हार घोषित नहीं हुए हैं आज मैंने सोचा समय है का पहला स्कोर होना बहुत जरूरी है टीम के लिए आज बता है टीम की तरफ से आप तो अपने टीम 2 करोड़ रन बना चुकी है कोई दिक्कत नहीं देखिए पीछे और अच्छी टीम है देखने को मिला और यहाँ पर सेकेंड बॉल पे अगर बॉल चली जाए तो आ सकती थी कुछ प्रयास करते रहिए ऊंचाई टीम कुमार के बाद अच्छे पांच और फिर बार में कर सकता है और जो दस चौथे फिर फिर अगर कुमार की का जीत होगा कुछ टीम के लिए और यह ब्रह्मा खतरा बढ़ रहा था टीम एम्स नादु मौका बनाना पड़ेगा फिलहाल लेकिन कौन सी दिशा और इसके साथ में श्री प्रकांत के सिटी में